क्या एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है यह क्वेश्चन फोटोन और मैटर के इंट्रैक्शन को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है हम जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के ओरिजन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ़ोटो इफेक्ट और काउ्टन इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये एक्सपेरिमेंट इस बात पर बेस्ड है कि लाइट का क्वांटा फोटोन मैटर के साथ कैसे इंट्रैक्ट करता है सिंगल लाइन में इसका आंसर दें तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को फुली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है इसकी वजह है एनर्जी और मोमेंटम कन्जर्वेशन अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को फुली एब्जॉर्ब करता है तो ऐसे में मोमेंटम और एनर्जी साइमल्टेनियसली कंजर्व नहीं रह पाएगी आइडियली एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी न्यूक्लियस के फोर्स फील्ड में ना हो ऐसे में अगर मान लें कि पी वन मोमेंटम का यह इलेक्ट्रॉन एक न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन जिसका मोमेंटम पी हो को एब्जॉर्ब करता है और कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम चेंज होकर पी टू हो जाता है तो मोमेंटम कॉन्जर्वेशन से इनिशियल टोटल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए रिलेटिविस्टिक मोमेंटम मास रिलेशन को काम में लेकर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर डेरिवेशन को समझ सकते हैं इस रिलेशन के फाइनल एक्सप्रेशन पर ध्यान दें तो पाते हैं कि इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं फर्स्ट ये कि पी टू माइनस पी वन जीरो के इक्वल हो जिसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तभी हो सकता है जब फोटोन का मोमेंटम जीरो हो जो कि खुद पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को फुली एब्जॉर्ब करेगा तो मोमेंटम कॉन्जरवेशन ही वायलेट हो जाएगी वहीं दूसरे सॉल्यूशन पर ध्यान दें तो सेकेंड टर्म जीरो के इक्वल होनी चाहिए यह तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का मास जीरो हो अदरवाइज यह जीरो के इक्वल नहीं हो पाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन मासलेस नहीं होते हैं उनका एक डेफिनेट मास होता है इस सॉल्यूशन का आउटकम एनर्जी कॉन्जर्वेशन का वॉयलेसन है इस तरह अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्ज़ॉर्ब करता है तो या तो वह मोमेंटम कॉन्जर्वेशन को वॉयलेट करेगा या फिर एनर्जी कॉन्जरवेशन को दोनों कॉन्ज़र्वेशन लॉज एक साथ कंजर्व नहीं रह पाएंगे इसलिए नेचर में कभी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को पूरी तरह एबजॉर्ब नहीं कर पाता है एक सिंगल लाइन में इसका आंसर देना चाहें तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन खुद स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगेगा और यही प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन को मासलेस होना होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन मासलेस नहीं होते लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं वो फोटोन को फुली एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि एक बाउंड इलेक्ट्रॉन जब फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो फोटोन की टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाउंड स्टेट से फ्री करने में खर्च हो जाती है जिसे वॉक फंक्शन कहते हैं और बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पर मिल जाती है जिसे मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व बने रहते हैं फ़ोटोन का मैटर से इस तरह का इंट्रैक्शन ही हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में फ़ोटोन फुली एब्जॉर्ब होते हैं तो कुछ इंट्रैक्शंस में पार्शली